हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर सुहेल दलाल, मैं सूरत गुजरात से हूं और मैं एक आयुर्वेदा कंसल्टेंट हूं। आज आप सब लोगों के सामने यहां पे आने का मकसद है कि आज कोरोना की महामारी ने एक विकट स्वरूप धारण कर लिया है। आज यहां पे मेरी ओपीडी में मैं रोज देखता हूं या जितने भी लोग आते हैं वो सारे लोग इस महामारी होने की चिंता से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं और सबको ये डर लग रहा है कि अगर हमें हो जाएगा तो क्या होगा। दोस्तों, सबसे पहली बात, हमें इस रोग से लड़ना है, इससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने हैं जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन से हमें गवर्नमेंट ने बताए हुए हैं, उन स्टेप्स को हमें फॉलो करना है तो हम इस महामारी से बिल्कुल अपने आप को बचा लेंगे और एक अंधेरी रात के बाद एक सुनहरा सवेरा हमारा फिर से इंतजार कर रहा है, वहां तक हम जरूर पहुंच पाएंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि उसमें क्या क्या हमें स्टेप्स को फॉलो करना है। सिंपल सी चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपके चेहरे पे घर से जब आप बाहर निकलो तो रेगुलर मास्क को पहने, मास्क को अपनी चीन पर ना लेके आए, मास्क को पूरा पहनकर मुंह को ढका रखें। दूसरा, अपने हाथों को अपनी आईज पे, अपने नोज पे और अपने चेहरे पे, मुंह पे टच करने से बचें। जेब में अपना एक सैनिटाइजर छोटा सा साथ में रखें। आप कहीं भी जाएं उसके बाद दो ड्रॉप्स हाथ में डाल के अपने हाथों को क्लीन करके सैनिटाइज करें। जब आप बाहर गए हैं, बाहर से आप घर के अंदर आते हैं तो आप पूरा गर्म गुनगुने पानी से नहा लें और अपने कपड़ों को चेंज कर लीजिए। इतनी छोटी छोटी सावधानियां हमें रखने की ज़रूरत है। दूसरा, कि एज एन आयुर्वेदा कंसल्टेंट मैं आपको बता दूँ कि आयुर्वेद से भी इस व्याधि का समाधान, इस रोग का निवारण हो सकता है। काफ़ी सारे पेशेंट्स ने और हमारी गवर्नमेंट ने भी आयुर्वेद को बहुत ही प्रोत्साहित किया है और आज वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में आयुर्वेद की जो है वो बोलबाला हो चुकी है, क्योंकि कोरोना की इस महामारी में आयुर्वेदिक दवाइयों से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जो पेशेंट्स जिनको माइल्ड सिम्टम्स दिखते हैं, जिनको कुछ छोटे छोटे थोड़े से सिम्टम्स हैं, वो पेशेंट्स आयुर्वेदा की लाइफ स्टाइल और आयुर्वेदा की दवाइयों को फॉलो करके बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाते हैं, ऐसा हमने हमारी प्रैक्टिस लाइफ में देखा हुआ है। तो सबसे पहले आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आप लोगों को अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर देना है। लाइफस्टाइल में रात को सोने का टाइम जल्दी करना है, सुबह थोड़ा जल्दी उठना है, प्राणायाम या योगा को अपनी जीवन शैली का थोड़ा सा पार्ट बना दीजिए। खाने में बहुत ज़्यादा खट्टी, मीठी और तली हुई चीज़ें के, जिससे कफ का प्रोडक्शन होता है, वैसी चीजों का इंटेक बंद रखें, क्योंकि ये महामारी जो है वो हमारे उरह प्रदेश की है, यानी कि कफ का स्थान है उरह प्रदेश, छाती से ऊपर का जो भाग है उसको उरह प्रदेश कहते हैं और ये महामारी में कफ की अधिकता होती है। तो अगर हम कफ बढ़ाने वाला खुराक नहीं खाएंगे तो भी इसमें हमें काफी फायदा होने वाला है। कुछ ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां मैं आपको बता देता हूँ कि जिसका स्टॉक आप थोड़ा बहुत घर में करके रख सकते हैं। सबसे पहली चीज है शनशमनी वटी या तो गिलोय घनवटी, ये आप घर में रखिए, ये गोली का आप सेवन करिए। दूसरा, अगर आप टैबलेट के फॉर्म में नहीं ले रहे हैं तो गिलोय का काढ़ा या गिलोय का चूर्ण मार्केट में मिलता है, उसको आप काढ़ा बना के भी सुबह में पी सकते हैं। तीसरा, आप लक्ष्मी विलास रस या त्रिभुवन कीर्ति रस नाम की टैबलेट्स भी रख सकते हैं और ये गोलियां आप सुबह शाम दो दो गोली के स्वरूप में ले सकते हैं अगर आपको हल्का सर्दी बुखार है। और एक चीज आपको बताऊं, पंचकर्म चिकित्सा के अंतर्गत आयुर्वेद में बताई गई नस्य चिकित्सा बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। आपको क्या करना है कि घर में तिल का तेल या तो विक्स बाम हमारे पास होती है, उसको सर पे, गले पे और थोड़ा सा फेस पे रब करके गर्म पानी में अजवाइन फुदीना डाल के उसकी आप भाप लीजिए, उसका आप स्टीम लीजिए, 2 से 5 मिनट तक स्टीम लीजिए। जब भी आप घर से निकलते हैं सुबह तो स्टीम लेकर निकलिए और जब आप घर पे वापिस आते हैं तो भी आप स्टीम लीजिए, क्योंकि वायरस का संक्रमण नाक से होके गले तक जाता है तो स्टीम लेने से वो वायरस का नाश हो जाएगा। जैसे ही चेहरे पे पसीना हो जाए सीधे सो जाइए, सर को नीचे की ओर लटका के आप नस्य कर सकते हैं। नस्य में आप अणु तेल, षडबिंदु तेल, काले तिल का तेल, सरसों का तेल, इसमें से आप कोई भी तेल, जैतून के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें से कोई भी तेल की दो दो बूंदे नाक में डाल के आपको सीधे सो के सर को नीचे की ओर लटका के नाक में बूंदे डाल के ऐसे अंदर खींच लेना है। जब वो ऑयल गले में आएगा तो उसको आप थूक सकते हैं और गर्म गुनगुना पानी दो घूंट पी लीजिए ताकि गले में स्वाद ना रहे।
इतना करने से आप इस वायरस के संक्रमण से जरूर बच सकते हैं। इस महामारी के वक्त में फ्रेंड्स, हमारी इम्यूनिटी को यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमें मजबूत रखना बहुत ही जरूरी है, और आपकी इम्यूनिटी की चिंता करते हुए आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए हमने हिंदुस्तान के अच्छे अच्छे वैद्यों से परामर्श करके आपके लिए एक जबरदस्त औषधि का निर्माण किया है जिसका नाम है संजीवनी काढ़ा। इस संजीवनी काढ़ा में बहुत सारी औषधियों को हमने समाविष्ट किया है। इस काढ़े में हमने दालचीनी, तुलसी, सौंठ, काली चाय, मुलेठी, हल्दी, कलौंजी, अजवाइन, काला नमक, लौंग, काली मिर्च, इलायची और गुड़, और ऊपर से हमें नींबू डालना है। इस तरह से हमने 13 औषधियों का समन्वय करके इस संजीवनी काढ़े का निर्माण किया हुआ है। इस काढ़े को किस तरह से बनाना, ये एक 50 ग्राम का पैकेट है। अगर घर में 10 लोग हैं तो ये पूरा पैकेट आपको 1 लीटर पानी में उबालना है। 1 लीटर पानी आपको एक साफ बर्तन में डालना है, उसको स्टोव पे रख के गरम करना है और उसमें ये पाउडर पूरा डाल देना है। इसमें 15 ग्राम गुड़ का पैकेट है, वो भी आप काढ़ा उबलने के बाद जब काढ़ा आधा लीटर हो जाए तो उसको छान के उसमें गुड़ को मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद उसमें आप आधा नींबू डाल दीजिए और फिर वो जो काढ़ा है उसके 10 कप बना के आप घर के सारे सदस्यों को दे सकते हैं। अगर कोई एक बंदा इस पैकेट का इस्तेमाल करता है तो रोज इसमें से 1 चम्मच लेके उसको 2 कप पानी में उबाल के 1 कप पानी करके छान के गुड़ और नींबू डाल के पी सकता है। तो इस तरीके से इस काढ़े का लगातार 10, 20 या 30 दिनों तक आप और आपका पूरा परिवार इसका सेवन करिए और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके इस महामारी से अपने आप को बचाइए। दोस्तों, आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें आप फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा लिंक यहाँ पे दिया हुआ है फेसबुक का। आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके रेगुलर वीडियोस और अपडेट्स आप यूट्यूब पे से भी पा सकते हैं। यूट्यूब की लिंक यहाँ पे दिखाई हुई है। और अगर आपको कोई भी सवाल है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, आपको जरूर से रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।